सबसे सच्चा और रहीम रिश्ता वो है माँ का। माँ अपने बेटे को रोटी देने जाती है स्कूल में, रास्ते में एक औरत गिरी हुई होती है, उस औरत की हेल्प करने जाती है। वो उठ नहीं सकती वहाँ से, उसके पाँव में बहुत चोट लगती है। वो औरत बोलती है, मैं अपने बेटे के लिए रोटी लेकर जा रही थी जो मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, क्या आप मेरे बेटे को रोटी देकर आएंगी? वो बोलती है, क्यों नहीं, मैं भी तो अपने बेटे को रोटी देने जा रही हूँ उसी स्कूल में, लेकिन मैं आपके बेटे को कैसे पहचानूंगी, आपके बेटे का नाम क्या है? वो औरत बोलती है, पूरे स्कूल में सबसे प्यारा और खूबसूरत बेटा मेरा ये, उसी को रोटी दे देना। तो वो ये सोच के हैरान हो जाती है कि इसका बेटा सबसे प्यारा खूबसूरत है, मेरे बेटे से भी ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसे कैसे हो सकता है? स्कूल जाकर सभी बच्चों को हैरानी से देखने लगती है और अपने बेटे के पास जाकर बोलती है, बेटा ये दोनों रोटियां तुम ही खाना। अब सोचने की ये बात है, दोनों रोटियां अपने बेटे को आखिर क्यों दी? क्या वो उस औरत के बेटे से जल रही थी? जी नहीं, बल्कि वो भी ऐसा ही सोच रही थी कि मेरा बेटा उनसे प्यारा, अच्छा और खूबसूरत है। मेरे भाइयों, माँ वो चीज़ है जो अपनी औलाद को, बेटों को सबसे अच्छा समझती है। माँ के लिए दुनिया में कोई भी बेटा बेकार खराब नहीं होता, मगर अफसोस जब बेटा बड़ा हो जाए तो शादी होने के बाद माँ को छोड़कर वाइफ को चुनता है, और हद से ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है जब बेटा माँ से दूर हो जाता है तो फिर भी दर्द, तकलीफें, तन्हाइयाँ, रोना माँ को ही आता है। वाह माँ वाह, तुझे सलाम। मेरे भाइयों, इस वीडियो को इतना शेयर करें, क्या पता किसी बेटे ने माँ को खो दिया हो, इस वीडियो को देखकर माँ को अपना ले।